गंभीर रोगों के कारण शरीर के मुख्य अंग जैसे लीवर, किडनी आदि खराब हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में इलाज के दृष्टिकोण से खराब अंगों का प्रत्यारोपण करना एक जीवनदायक विकल्प माना जाता है। शनिवार को शास्त्री चौक स्थित एक निजी प्रतिष्ठान में प्रेस वार्ता कर डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट डॉक्टर अमित कुमार देवड़ा जेपी अस्पताल नोएडा ने बताया कि जागरूकता की कमी से प्रत्यारोपण की उचित सुविधाओं तक पहुँच न होने और सही डोनर के न मिलने के कारण बहुत बड़ी संख्या में मरीज इस विकल्प का चुनाव कर पाने में असमर्थ होते हैं। ऐसे में गोरखपुर में लीवर और किडनी ट्रांसप्लांट के लिए ओपीडी का शुरुआत की, जहां हर महीने के पहले शनिवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक किडनी ट्रांसप्लांट की टीम से डॉक्टर अमित कुमार देवड़ा और लीवर ट्रांसप्लांट की टीम से डॉक्टर आर वासुदेवन मरीजों को परामर्श देने के लिए उपस्थित होंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर अमित कुमार देवड़ा ने कहा, हाँ देखिए, मैं डॉक्टर अमित देवड़ा हूँ। मैं डायरेक्टर यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट जेपी हॉस्पिटल नोएडा में कार्यरत हूँ। हम किडनी डिजीज़ के बारे में जागरूकता और किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स को जिनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है, किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है, उसके लिए गोरखपुर क्षेत्र में सुविधा देने के लिए आए हैं। यहाँ पर बहुत ही प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है, लाइफ केयर हॉस्पिटल। उसमें हम हर महीने के पहले शनिवार को अपनी ओपीडी सुविधा देने के लिए अभी हमने यहाँ पे अरेंजमेंट किया है। और जितने भी किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि लगभग हमारे देश में 1 से 1.25 करोड़ लोग किडनी डिजीज़ के बीमारी से ग्रसित हैं और उनमें से 20 लाख लोगों को डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है। तो इस क्षेत्र में भी काफ़ी ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको ट्रांसप्लांट या आगे के चेकअप और ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। तो हम चाहते हैं कि इन लोगों को, नीडी पेशेंट्स को हम अपनी सुविधा दे सकें और इस माध्यम से, इस ओपीडी के माध्यम से उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कर सकें। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए हमें एक बड़े सेटअप, लाइसेंस, गवर्नमेंट के सुपरविजन की आवश्यकता होती है। वो सुविधा अभी तक इस क्षेत्र में नहीं, इस हॉस्पिटल में नहीं है। तो टू बिगिन विथ, इनिशियल स्टेज में तो हम सारे ऑपरेशंस जो हैं वो जेपी हॉस्पिटल में ही करेंगे, पर नियर फ्यूचर में हमें यह लगता है कि धीरे धीरे ये सुविधा यहाँ पे भी शुरू की जा सकती है। जैसे जैसे लोगों को यहाँ के बारे में पता चलेगा और चीज़ें यहाँ के अनुकूल होंगी, हम यहाँ भी भविष्य में ऑर्गन ट्रांसप्लांट शुरू करने के बारे में विचार ज़रूर करेंगे। कि ऐसा कोई, अगर आप और प्राइवेट सेक्टर से कंपेयर करें तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जो किडनी ट्रांसप्लांट है, उसमें लगभग 6 लाख रुपए के आसपास का खर्चा आता है, जिसमें कि ऑपरेशन का खर्चा, उसके बारे में जो जांचें की जाती हैं उसका खर्चा और दवाइयों का खर्चा ऑपरेशन के दौरान जो लगती हैं वो इंक्लूडेड है। तो 6 से 7 लाख में पेशेंट ऑपरेशन करा के जा सकता है। हमारे मुख्यमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय से भी गरीब मरीजों को 2 से 3 लाख की सुविधा मिलती है। तो अगर वो अपने क्षेत्र के विधायक या जो कोई भी पब्लिक अधिकारी से बात करके उस सुविधा का लाभ दे सकते हैं, तो सरकार की तरफ से भी उन्हें इस बारे में सहयोग मिल सकता है।